अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे और ईद की तैयारियों में बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ होंगे। तो इसके साथ ही मैंने सोचा आपके साथ में अपनी मसरूफियत शेयर कर दूँ कि हमारे यहाँ के दिन कैसे गुजर रहे हैं और यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, क्या एक्टिविटी है। तो मेरे बहुत सी फ्रेंड्स की मुझे रिक्वेस्ट आई हुई थी कि काइंडली अपनी वार्डरोब हमारे साथ शेयर करें। तो मैंने सोचा चले सबसे पहले हम तो लेते हैं वेदर की अपडेट कि वेदर यहाँ पर कैसा है। तो मोस्टली क्लाउडी रह जाता है, लेकिन मौसम में थोड़ी सी तब्दीली आई है, लेकिन बारिश नहीं हुई। एनीवेज ये मौसम तो चलते रहते हैं, इनको इंजॉय करना चाहिए। सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम, दिल का हाल अच्छा हो तो सभी मौसम अच्छे लगते हैं। तो ये थोड़े से रैंडम क्लिक हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद मैं आपके साथ वार्डरोब शेयर करूँगी अपनी और ईद की तैयारी हम किस तरीके से कर रहे हैं, मैं किस तरीके से कर रही हूँ आपके साथ मैं आगे चलकर शेयर करूँगी। तो कहीं मत जाइएगा और मेरे साथ इंजॉय कीजिएगा। इस बीच में आप बताइए कि आपकी ईद की तैयारियाँ कहाँ तक जा चुकी हैं। और मेरा व्लॉग जो है ये थोड़ा सा लेट हो चुका है, क्योंकि कल इंशाल्लाह हमारे यहाँ ईद होगी और पाकिस्तान के यहाँ कल ईद की पुरजोश तैयारियाँ ज़ोरों शोर पे होंगी। यकीन करती हूँ अभी भी आप लोग बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ होंगे। तो जो पाकिस्तान रहते हैं या अदर कंट्रीज़ में जो लोग रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, मतलब कि जॉइंट फैमिली होती है और गेस्ट का आना जाना होते हैं और मुबारकबाद दी जा रही होती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम बस मोबाइल से ही वीडियो कॉल कर लेते हैं, तैयार श्यार होके उनको अपनी तैयारी दिखा लेते हैं, उनके इवेंट देख लेते हैं। तो बस इस तरह से हम परजेस उनकी ईद हो जाती है। लेकिन बात ये है कि जहाँ पर आपके साथी, आपका हम सफ़र आपके साथ हो, तो मैं कहती हूँ कि हर जगह जन्नत होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इंजॉय करें, आप भी अपने घरों में बैठ के इंजॉय करें, फैमिली के साथ इंजॉय करें। तो सबसे पहले हो जाए पेट पूजा, उसके बाद काम पूजा। तो पेट पूजा होते ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आज से पहले मैंने कभी अपनी वीडियो में शेयर नहीं की हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सैंडविच। तो सैंडविच बनाते बनाते मैं आपके साथ थोड़ी सी बातें भी कर लूँगी। तो जनाब इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना, उसके साथ साथ अपना भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब आने वाला है गोश्त का सीज़न। तो हर गर्मी जो है हर तरफ गोश्त ही गोश्त होगा, उसके साथ साथ आपने पानी का इंटेक ज़्यादा करना है, अपनी स्किन की, अपनी हेल्थ की केयर करनी है, गोश्त का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो आप बताइए कि आपकी ईद की क्या प्लानिंग्स हैं, आपने कहाँ कहाँ जाना है और किस किस ने आपके पास आना है। और आपसे बातें करते करते मेरा लंच जो है ऑलमोस्ट डन होने वाला है। यहाँ पर मैं क्यूकम्बर कट कर रही हूँ, थोड़ा सा वेजीज भी हो जाएगा, थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स सा लंच हो जाएगा, तो टमी जो है काफ़ी टाइम के लिए फुल रह जाएगी और हंगर फील नहीं होगी ना। तो लाइट सा है बट हेल्दी है, ठीक है, चल जाएगा। और इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी ईद की शॉपिंग कि मैंने ईद की शॉपिंग कहाँ से की है, और कुछ गिफ्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मुझे किसने दिए हैं और कहाँ से दिए हैं। ये सारी चीज़ें आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी। तो लंच जो है वो ऑलमोस्ट डन है। आपने याद रखते हैं कि आपने पानी का इंटेक ज़्यादा करना है, जितना पानी का इंटेक ज़्यादा करेंगे स्वेट लेस होगी, स्किन फ्रेश होगी और आप एनर्जेटिक फील करेंगे। तो यहाँ पर मैं मैंगो ड्रिंक ले रही हूँ। तो मैंगो ड्रिंक जो है, अगर आप मैंगो ड्रिंक बनाना चाहते हैं आप इसमें शुगर लेस यूज़ करिए, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंगोज इतने ज़्यादा स्वीटेंड होते हैं कि स्वीट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर जो है लंच के बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए कितना प्यारा सा ड्रेस है, कितना अट्रैक्टिव कलर है ये, और ये फुली एम्ब्रॉयडर्ड है और इसका स्टफ भी बहुत सॉफ्ट सा है। और ये मुझे मिला था इन-लॉज की तरफ से गिफ्ट जब मैं रिसेंटली पाकिस्तान गई थी। तो इसका ट्राउज़र बहुत प्यारा है, फुली एम्ब्रॉयडर्ड है और वाइट कलर की इस पर पैचेस लगे हैं। आप इसको बाकी कलर्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक अगर आप इसकी फ्रॉक या शर्ट चेंज करना चाहें तो इस ट्राउज़र के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। बॉटम ट्राउज़र है और नेट के पैचेस लगे हुए हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त लगा था मुझे और बहुत ही ज़बरदस्त है भी, और पहन के ये और ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये जो सेकंड ड्रेस मैं आपके साथ दिखा रही हूँ बिल्कुल कूल सा कलर है, विंटर के लिए तो परफेक्ट है। और ये परफेक्ट ड्रेस मुझे गिफ्ट किया है मेरे हस्बैंड ने, और उन्होंने मुझे इसका गिफ्ट किया है कि आपने ये वेयर करना है फर्स्ट डे। तो इंशाल्लाह मैं आपको आगे चलकर इसकी अपडेट दूंगी नेक्स्ट वीडियो में कि ये मुझे पहनकर कैसा लगा। और बाकी ये वाला जो ड्रेस अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ये मुझे दिया था मेरी सिस्टर ने गिफ्ट, और वो गिफ्ट जो है मुझे बहुत पहले मिला था लेकिन पाकिस्तान
जब मैं गई थी तो आने से पहले मैंने उसको स्टिच करा लिया था, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, तो बाकी वहाँ से मंगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी ईद की काफ़ी सारी मेरी शॉपिंग्स हैं जो पाकिस्तान की तरफ से आने वाली हैं, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि फ़्लाइट्स बंद हैं, पाकिस्तान से कोई आ नहीं सकता है, तो काफ़ी सारी ऐसे मेरे गिफ्ट्स हैं जो मैं आपके साथ इंशाल्लाह बाद में शेयर करूँगी। और ये है एक और ड्रेस, ये एक मैक्सी है जो कि मैंने खुद डिज़ाइन कराई थी। हाँ जी, तो ये मेरे खुद की डिज़ाइन करता है और ये बहुत ज़बरदस्त लगती है वेयर करने के बाद। और ये इसकी बैक साइड है, फ्रंट भी ये है, ये इसकी फ्रंट है, ठीक है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है और मेरी डिज़ाइनिंग कैसी लगी है आप ज़रूर मुझे बताइएगा। आपको ड्रेसेस कैसे लगे हैं, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, ईद को फुली इंजॉय कीजिएगा, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।